से ज्यादा अपने बेबी का स्पीकर खर्च देते हुए पड़ा तुमको 80,000 रुपए का। तो गाइस एक बार आप बेस देखो गाइस, कितना बड़ा बेस है गाइस, मेरा अपना पूरा बार, इसमें तो गाइस पूरे मैग्नेट है, तो गाइस चिपक जाते हैं। घर की खिड़की कैसे वाइब्रेट होती है। तो हेलो गाइस, दिस इज मी राहुल, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो गाइस चलो ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस अभी सुबह के बजे चले 10 और मैं सोकर उठ चुका हूँ। तो आप लोग सोचोगे मैं इतनी जल्दी क्यों उठ गया हूँ, क्योंकि आज अपन को थोड़ा काम है इसलिए अपने जल्दी उठ गया, नहीं तो अपन 2 बजे के पहले उठते का है। तो चलो फटाफट से चाय वाय पीते हैं, फिर मिलते हैं, फिर करेंगे ब्लॉग कंटिन्यू, फिर बताते हैं कि आज का पूरा प्लान क्या है। तो वहाँ जाके दिखाता हूँ कि अपन ने कौन सा स्पीकर लिया, बाकी मैं घर पर आकर उसकी अनबॉक्सिंग करूँगा ही थी। तो चलो फटाफट से रेडी हो जाते हैं बिना देरी करे, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है। जैसे आपको बताया था मैंने, मैं 10 बजे उठा हूँ लेकिन टाइम हो जाता है मुझे बहुत लेट, तो अपन निकलते निकलते 2 बज जाएगी। और तो चलो फटाफट निकलते हैं। तो गाइस मैं नहा धो के हो चुका हूँ रेडी, अभी मैं जा रहा है पहले पटेल लाइट हाउस, तो उसके बाद का आपको प्लान तो बताइए। तो चलो निकलते हैं, आज बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही है, ठंड के मौसम में ज़्यादा गर्मी। जो मेरा सारा काम था वो तो हो चुका है, अब अपन जा रहे हैं सीधा टंबल ड्राइव अपने कपड़े देने, और अपने थोड़े कपड़े लेने भी थे। उसके बाद अपन जाएंगे सीधा TI, फिर निकलेंगे अपन फिनिक्स मॉल मूवी देखने के लिए। तो मैंने टंबल ड्राइव कपड़े लिए, कपड़े दे भी दिया, तो मैंने टंबल ड्राइव कपड़े दे दिया है। तो अभी अपन जा रहे हैं सीधा TI, फिर TI जाएंगे सीधा फिनिक्स, क्योंकि अब फिनिक्स में अपन देखेंगे मूवी, और देखते कौन सी नई मूवी आई है। तो वहाँ जाकर पता चलेगा कि कौन सी नई मूवी आई है, अपन वाली मूवी देखेंगे, और फिर देखते क्या प्लान बनता है उसका, क्योंकि भूख भी लग रही है, कहाँ खाते हैं फिनिक्स में खाएंगे कि कहीं और चल के खाएंगे। तो चलो उनको बस की बिलिंग कराते हैं, क्योंकि हमको लगा TV के साथ स्पीकर लेना जरूरी है। तो अपन ले लिया होम थिएटर JBL का, फोटो करके दिखाता हूँ कितना खतरनाक स्पीकर है JBL का, वो JBL 5.1 ले लिया है। तो भाई सीधा मैं आ गया था फिनिक्स, तो अभी मांगे हूँ BR के आइसक्रीम खाने को, आइसक्रीम खाने की छोड़ी और भूख भी लगी, तो देखते हैं कौन से रेस्टोरेंट मैंने आधे ज़्यादा रेस्टोरेंट ट्राई कर लिए, तो देखते हैं कौन से रेस्टोरेंट अपन डिनर वगैरह करते हैं, फिर अपन चलेंगे सीधा मूवी देखने, क्योंकि मूवी है 10 बजे की। फिर उसके बाद सीधा बाहर भी बुरा, जब तक मूवी ओवर होगी तब तक पूरा रेस्टोरेंट सारे बंद हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं, और बाकी स्पीकर आपको करा कर। तो भाई अभी नया ओपन हुआ रेस्टोरेंट अपन चाइनीज का, फिर उसमें आगे पूरा रेस्टोरेंट का, तो भाई बहुत ही खतरनाक रेस्टोरेंट है, वो पूरा टोटली चाइनीज मूवी मिलता है। तो भाई इसके चलो ड्रिंक आ गया, मैंने कुछ नूडल्स और अपने डिम सॉस मंगाया था, चलो ट्राई करते हैं कैसे का टेस्ट है। अपन करने वाले चॉप सिस्टर ट्राई हमेशा की तरह। तो अपना खाना पीना हो चुका है, अभी अपन चल रहे हैं सीधा इंसिग्निया मूवी देखने, और देखते हैं कैसी क्या मूवी है, मेरे को मूवी का नाम नहीं पता, बस देखने जा रहा हूँ। हम देखते हैं टिकट्स लेते हैं, सीधा चलेंगे मूवी देखने। DMG का चश्मा भी टूट गया है, तो भाई इसका शायद ये पूरा निकल, तो भाई इसका पूरा शायद टूट गया है, अब देखते हैं क्या होता है इसका। तो भाई अपनी मूवी हो गई ख़त्म, तभी अपन जाया सीधा घर। तो भाई काफ़ी बढ़िया मूवी थी, और मैं घर जाकर दिखाता हूँ कि मैं कैसे का स्पीकर है, वैसे तो कल ही बनाएंगे उसका ब्लॉग, आज नहीं बनाएंगे। तो ये आ गया अपना JBL का स्पीकर, तो चलो उसको अनबॉक्स करते हैं, निकाल दिए तो पूरा खुलेगा, तो ये निकालते हैं बाहर। तो भाई जैसा कुछ स्पीकर और ऐसा कुछ खुल गया, तो यहाँ पर रखा हुआ अपना बेस, इसके अंदर वो स्पीकर रखे हुए हैं, ये भी स्पीकर है, और बताऊँगा इसका मैग्नेट स्पीकर कैसा है, इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है। तो चलो उसको पूरा बाहर निकालते हैं, फिर आपको लगा के दिखाता हूँ। तो भाई देखो एक बार शेर के साथ कितना खतरनाक लग रहा है JBL अपना 5.1। तो भाई जैसा कुछ स्पीकर, इसके अंदर 2 स्पीकर मिल जाते हैं मैगनेट वाले, और ये बेस ट्यूब है, तो बेस ट्यूब जैसा ही है, मतलब बेस है इसका पूरा, और एक बाहर दे रखा है। तो भाई जैसा कुछ है वो, इसका साउंड तो काफ़ी खतरनाक है। तो भाई इसकी प्राइस की बात कर जाए तो पड़ा अपन को 80,000 रुपये का। तो गाइस एक बार आप बेस देखो गाइस, कितना बड़ा बेस है गाइस, पूरा मजा आएगा। तो गाइस पूरा अलग साउंड में आता है बिल्कुल, और ये अपना पूरा बार, और इसके साथ साइड में तो गाइस पूरे मैग्नेट है, कहीं भी चिपक जाते हैं, तो इसके साइड में रखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से चार वगैरह होते हैं बिल्कुल। तो गाइस देखो ऐसा कुछ है, और इसके साथ कुछ एक्सेसरीज मिलती है इसके अंदर, तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है। तो गाइस जो केबल है, जो वायरलेस स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए रहती है, तो ये ऑक्स ऐसा कुछ केबल मिल जाती है, पावर केबल की, HDMI केबल, और थोड़े स्टैंड मिल जाते हैं स्पीकर को रखने के लिए, बाकी नॉर्मल केबल ही है। तो ऐसा कुछ स्पीकर है, चलो इसको कनेक्ट करते हैं अपने TV में। तो गाइस इसका एक बार बेस देखो गाइस, बेस का होल कितना बड़ा, पूरा अंदर तक है, और इसका खतरनाक बेस, इसलिए मुझे पसंद आया। गाइस सिर्फ एक पावर केबल कनेक्ट होगी बस, बाकी तो ऑटोमेटिक चलेंगे, और ऐसा कुछ बेस है ये। गाइस एक बार साउंड का गाइस, तो मम्मी का गेट लगाने गया अभी नवन, तो अभी सिर्फ 20 बज गई, तो एक बार देखो, तो अपन ने एक बेस इसका रख दिया, और एक स्पीकर वो बाहर रखा हुआ है, और एक स्पीकर वाला कवर, स्पीकर वहां रखा हुआ है, बड़ी आवाज देखो पूरी, ऐसा तो जस्टिफाई कर नहीं पा रहा को लेके, टाइम वाइज मैं स्पीकर का पूरा ब्लॉग शूट कर नहीं पाया था, अब जाके शूट कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय अगले दिन मैं निकल गया था मुंबई के लिए, तो उसे मैंने आधे ही ब्लॉग शूट करा था। तो मैं आपको बताऊँगा कि कितना खतरनाक स्पीकर है, और एक बार आपको टेस्ट करके बताऊँगा कि इसमें मतलब कैसा क्या बेस है। तो चलो फटाफट से टेस्ट करते हैं स्पीकर को। अपना JBL का स्पीकर, जैसे मुंबई से आती थी यहाँ पर माउंट करवा लिया था JBL वालों को बुला के,
तो गाइस ये उसका स्पीकर रखा हुआ है, इसके मैग्नेट वाले को भी दिखाता हूँ कहाँ पर रखे हुए हैं। और इधर रखा हुआ अपना बेस, मेन चीज ये गाइस को बताऊँ कितना खतरनाक बेस है, तो मैं आपको दिखाता हूँ मैग्नेट वाले स्पीकर कहाँ पर रखे हुए हैं। तो अपने मैग्नेट स्पीकर एक वहाँ रखा हुआ है, एक वहाँ पर रखा हुआ है, तो चलो आप साउंड टेस्ट करके दिखाता हूँ कैसा क्या साउंड है इसका। तो गाइस अपन नॉन कॉपीराइट सॉन्ग चलाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा कॉपीराइट आता है कोई सॉन्ग चलाएंगे। अगर आपको रियली बेस सुनना है इसका और म्यूजिक सिस्टम थोड़ा अच्छे से सुनना है, तो गाइस ईयरफोन लगा लो और ईयरपॉड्स लगा लो तो आपको पूरा प्रॉपर साउंड आएगा। तो चलो अब टेस्ट करते हैं अपन। आपको इतना समझ नहीं आएगा तो गाइस दो जगह स्पीकर वो भी चल रहा है पूरा, जैसे थिएटर में साउंड आता है वैसा साउंड आ रहा है, बिल्कुल सराउंड साउंड। गाइस आप आपको अब चेक कराना उसका बेस, तो बेस जहाँ पर रखा उसके ऊपर हम कोई चीज रखेंगे फिर अपन बेस चेक करेंगे उसका। उसमें तो पानी ले लिया है, उसको रखेंगे बेस के ऊपर अपने। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ। तो गाइस देखो गाइस जैसे बहुत कम वॉल्यूम है, आपको वॉल्यूम दिखाता हूँ कितनी वॉल्यूम है। अभी 27 वॉल्यूम, अभी उठो मैं पूरी फुल वॉल्यूम करता हूँ, वेट उसमें पूरी घर की खिड़की वगैरह सब हिल जाते हैं साइड वालों के। भाई जैसा आपने देखा कि ग्लास कितना खतरनाक गिर रहा था, उसका पानी मतलब ग्लास का ग्लास भी गिर रहा था, उसके अंदर का पानी तो वही बहुत खतरनाक वाइब्रेट हो रहा था। लोग ऐसा बेस तो जस्टिफाई कर नहीं सकते क्योंकि इतना खतरनाक बेस आ रहा है, सिर्फ हम लोग कर सकते क्योंकि हम लोग यहीं पर बैठे हुए हैं। इसलिए अगर आप लोग बैठे तो आपको भी लगता कितना खतरनाक बेस आ रहा है, अगर सोफे बैठे पूरा सोफा हिलता है। तो गाइस ऐसा ही कुछ था अपना JBL का स्पीकर। तो गाइस वाला ब्लॉग अपन यहीं पर एंड करते हैं, अगर ब्लॉग चलो तो लाइक सब्सक्राइब, थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय। और गाइस अब ये ब्लॉग में खतरनाक चीज़ आने वाली थोड़े दिनों में, तो गाइस जो भी नए लोग देख रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो मिलते हैं, बाय।